माफिया डॉन बलवंत सिंह ने इटली से पैसों का कंटेनर निकला। सर, सब कुछ अनलोड हो गया है। अगर वही ग्रीड फियर को डोमिनेट करे तो क्रिमिनल होगा। वन वाइटल रिमाइंडर, वी आर नॉट क्रिमिनल्स, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्रिमिनल वे ऑफ थिंकिंग टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द क्रिमिनल। पूजा, काइंडली टर्न ऑफ योर सेलफोन। आप सबको चार हफ्ते में थीसिस सबमिट करनी है। आई होप यू आर ऑल वर्किंग ऑन दैट। विद दीज वर्ड्स आई विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो, क्लास में थी यार, इतनी बार कोई फोन करता है क्या? क्या सूर्या, ड्रिंक करके ड्राइव मत किया करो, तुमसे कितनी बार कहूं? जिसने ठोका अगर उसे कहती तो अच्छा होता। वो भी तुम्हारे जैसा ही होगा। बेटिंग और नाइट क्लब से ध्यान हटाकर जरा थीसिस पर कंसंट्रेट करना शुरू करोगे? चार हफ्ते बचे हैं, पता है कि नहीं? डॉक्टर ने कहा है कि मुझे उठकर चलने फिरने में मिनिमम 6 हफ्ते लगेंगे। अब तो अगले साल ही सबमिट करना पड़ेगा। हेल्प करने के लिए मैं हूं ना यहाँ, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है बताओ? गांधी। परिवार के 2 सदस्यों को मौत के घाट उतारने वाला मोहन गांधी। भूख लग रही है, खाना खा लें? हाँ। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही हो? पापा, समझ में नहीं आ रहा, क्या कोई अपनी ही बेटी का खून कर सकता है? क्यों नहीं, पत्नी को और माँ को मारने वाले लोग भी ऐसे बहुत हैं। पर आखिर क्यों? बेटी, दुनिया में इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ मनी। यकीन नहीं होता, एक बाप अपनी ही बेटी का खून कैसे कर सकता है? सोचकर ही मैं तो डर जाती हूँ। I'm so lucky to have a father like you. Thank you so much, पापा। माँ के जाने के बाद भी कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई। टाइम बहुत हो गया। गुड नाइट। पापा, ग्लासेस। पापा, मुझे सेंट्रल जेल में रिसर्च के लिए कुछ कैदियों से मिलना है, मुझे आपकी परमिशन चाहिए। नो, इट्स टू डेंजरस। पर पापा, मुझे जाना है। माय नेम इज पूजा,
आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, आपसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली ये मेरी रिसर्च का हिस्सा है। प्लीज टॉक टू मी। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, इंसान की बातें भी जानती हूँ और ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि खामोशी को कैसे तोड़ना है। तुम मुझसे बात करोगे? पुलिस ने सील किए हुए घर में आने की जरूरत क्या है? आराम से सुनो, मैं सब देख लूंगी। ओके, तुम क्या देख लोगी? तुम्हारे पापा मुझे अच्छे से देख लेंगे। ना, चलो। पूजा और मैं आपके डैडी की फ्रेंड हूँ। मेरे डैडी कैसे हैं? आपके डैडी अच्छे हैं। आप कैसी हो ये देखने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। मैं रो रही हूँ इसलिए मेरे डैडी रो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, डैडी ने कहा है रोना नहीं बल्कि अच्छी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं रो रही हूँ ऐसा डैडी को मत बोलिएगा नहीं तो वो भी रोएंगे। एक बात बताओ, डैडी ने मम्मा को क्यों मारा क्या तुम जानती हो? डैडी तो आपके फ्रेंड है तो आपको नहीं पता? अब बताया था ना, पर जानना चाहती हूँ तुम्हें क्या लगता है। उन्होंने मुझे कहा था किसी को कुछ मत बताना। मुझे मेरे डैडी के पास लेकर जाओगी क्या? जरूर ले जाऊंगी। डैडी, डैडी। बेटी की आवाज सुनते ही पैर कांपने लगे ना, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे तुम्हारे? तुमने ही अपनी बीवी का खून किया, ये मान ही नहीं सकती मैं। तुम्हारी बेटी से मिलकर आ रही हूं गांधी। दुनिया चाहे जो भी सोचे, एक बाप अगर बेटी के सामने उसकी माँ का खून करते तो उसकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगा, ये जानती हूं। बट आई सी नथिंग बट लव। अपनी थीसिस की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन तुम्हारी बेटी से मिलकर ऐसा लगा कि मैं उसके लिए कुछ करूं। इतनी कम उम्र में माँ को खोना क्या होता है मैं जानती हूँ। यही वजह है कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज टेल मी, आई विल हेल्प यू। तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे। कर पाऊंगी, मेरे पापा DGP हैं, स्टेट इंटेलिजेंस चीफ। जानते हो तुम्हारी बेटी क्या कह रही थी? कह रही थी जब वो अपने पापा से कुछ भी मांगती है वो मना नहीं करते। सोच लो कि वही तुमसे मांग रही है। प्लीज मान जाओ, प्लीज। मेरे बॉस अरेस्ट हो गए थे, 2 हफ्ते पहले ही मुझे कॉल आया था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, फैमिली के बारे में, लाइफ के भी, प्रोफेशन के भी। आई वॉन्ट ऑल द डिटेल्स। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, मेरी परवरिश और देखभाल राजशेखर जी ने की, इसीलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सिर्फ विश मत करो, काम करो। यस सर। रेड्डी लैब की रिपोर्ट बन गई है क्या? बन जाएगी सर। और कंस्ट्रक्शन कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी की? करता हूँ सर। और नए स्टाफ के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन? करता हूँ सर। हो जाएगा सर, बन जाएगा सर। सब कुछ फ्यूचर टेंस में ही कहोगे या ये भी कहोगे कि हो गया? एक भी आंसर पास्ट टेंस में नहीं बोल सकते। बोलूंगा ना सर। फ्यूचर टेंस। क्या सर, टेंस टेंस बोलते हो, बहुत टेंशन हो जाती है मुझे। सर मेरा इंक्रीमेंट सोचता हूँ, मेरी छुट्टी की एप्लीकेशन देखता हूँ, सॉरी फिर मेरा प्रमोशन करता हूँ। सर आप भी सब कुछ फ्यूचर टेंस में बोल रहे हो। तुम जिस टेंस में बात कर रहे हो मैं उसी में बात कर रहा हूँ। ये सब छोड़ो, वो RR क्लाइंट आया क्या? आया था सर, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा था, मैंने उन्हें गांधी के पास भेज दिया सर। ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस।
वहां का प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाएगा। नुकसान से बंद हुई कंपनी प्रॉफिट में है ऐसा शेयर होल्डर को बताकर धोखा देना बेईमानी है। फाइनेंशियल रिपोर्ट बदलना नामुमकिन है। कितना लेगा? चलो मेरी बात करो। अरे झोल करता है, चले करो। सुनो, इस शहर में और कोई नहीं है क्या? ये अकेला ही है। उसने सिर्फ मदद मांगी थी। कर सकते हो तो हाँ बोलो, वरना ना बोलो। इतना वाइल्ड रिएक्ट क्यों कर रहे हो? सही काम के लिए क्यों रिएक्ट करूंगा? वो मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा था। गुस्सा बहुत आता है आजकल, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी। बेईमानी की बिरयानी से ईमानदारी की रोटी अच्छी होती है। अगर झोल चपाटा करना है तो नहीं रहना मुझे आपकी कंपनी में। पता है ना किससे बात कर रहे हो? चेयरमैन। ये चेयरमैन हो या वॉचमैन हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इंटरव्यू के वक्त मुझे आप अच्छे लगे इसलिए मैंने बॉस मान लिया। ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है सर। इंटरव्यू बॉस को सिलेक्ट करने के लिए नहीं, एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के लिए होता है। मेरे पूछे सवालों के करेक्ट जवाब दिए थे इसीलिए तुम्हें सिलेक्ट किया। आपने मुझे करेक्ट क्वेश्चन पूछा था इसलिए बॉस मान लिया था। अगर मेरा दिमाग सटका ना तो मैं नए बॉस को ढूंढ लूंगा। सर ये कॉन्सेप्ट और अच्छा है। तुम नया बॉस सिलेक्ट करोगे? नया बॉस? ठीक है, बताता हूँ तुम्हें गांधी। 10 नए एम्प्लॉयज आए हैं, तुम्हारे साथ एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कराना। ये है। बड़ी बड़ी बातें करके निकल गया है। टिफिन लाया हूँ, शायद घर जाकर खाना पड़े। तू टैलेंटेड बंदा है इंटरव्यू ले। देख रहा हूँ रे, टैलेंट होता तो शेयरिंग ऑटो में सफर क्यों करता तू? ठूसो ठूसो, खूब खाओ। बेकार घूमने वाले को जॉब देकर जनरल मैनेजर बना दिया तो कहता नया बॉस ढूंढूंगा। नया बॉस? तू बॉस है तो कंपनी लॉस है। अपनी हाइट से ज्यादा काय को उछलते हो। पापा आप कैसे बात कर रहे हो? बड़े हैं इसलिए सर पर चढ़े हैं। अरे अरे बेटा हाँ। सुनिए, अगर कुछ बात कहनी थी तो घर पर आकर कहनी थी, बाहर वालों के सामने कहने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ ठीक है, कमाल है। मेरी फैमिली के लिए तुम ही इम्पोर्टेंट हो गए हो। क्या फैमिली? वीकेंड में दूसरा घर बसाने जाते हो? अरे अरे अरे, घर पे पीना अलाउड नहीं है इसीलिए एक सेकंड होम सेट करके रखा है। उसे दूसरा घर बोल के इश्यू मत खड़ा करो प्लीज। कंट्रोल में रहो तो अच्छा होगा। और भी कुछ कह रहे हैं क्या? आइंदा कुछ भी कहना तो सीधा मुझे फोन करना, और जैसे ही तुम अपना नया बॉस ढूंढ लोगे मैं भी। हाँ, 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 समझ गया समझ गया। इतना भी लगाव अच्छा नहीं है इससे। कल को इसकी जिंदगी में कोई लड़की आ गई तो ये सारे रिलेशंस भूल जाएगा। सुनिए राजशेखर जी, लड़की तो क्या, दुनिया भर की मिस यूनिवर्स भी चली आई ना तो आपके सामने कुछ नहीं। क्या कर रहे हो? ये रात हो गए, अंधों के जैसे काम करने की जरूरत नहीं है। और तू क्या कर रही है? मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, इतराना बंद कर। लोग हैं, पता नहीं कितने दिन पहले नहाया था। तीन दिन पहले नहाया था। सुना सुना, तीन दिन पहले नहाया था। ऐसे होते हैं ये लोग। केला भी जाए पीछे, देखिए उसके कमर की लचक। वल्ला वल्ला, नजारा सुभान अल्लाह। अरे अरे अरे, क्या हुआ बेटा? अरे अरे, ओके, आराम से बैठो। एक मिनट, एक मिनट, आई सेट इट राइट। ब्रीद ब्रीद इन, जस्ट वन मोर, ठीक है, ओके ना? वाह गुरुजी, क्या तोड़ू फोड़ू हड्डियां जोड़ते हैं आप। सब हमारे खाने पीने पर डिपेंड करता है। हाँ? वो कैसे? आओ बताता हूँ। मटन, चिकन, मसाला, दारू, ये सब छोड़कर वेजिटेबल्स और सैलेड खाओगे तो हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में रहती है। झंझट किसके लिए करें? बच्चों के लिए बेटा, बच्चों के लिए। वैसे तुम्हारे कितने बच्चे हैं? दो लड़की, दो लड़के। भविष्य में होने वाली ये चारों बच्चों की माँ की तलाश जारी है गुरुजी। फिर मिली क्या? वैसे ऑलमोस्ट मिल गई समझो। आज 100% ओरिजिनल नेचुरल ब्यूटी देखी, उसकी ब्यूटी बहुत ही क्यूटी थी। सर को ऊपर उठाकर, पल्लू को साइड में हटाकर, अलग अलग एंगल से वो जान लेवा शेक, कमर जैसे पाइनएप्पल का केक, ऊपर से गिरेंगे ओले बस एक बार वो मेरी होले। जलजला लावा दहकती आग है वो। दिल करता है उस नागिन को अपनी बीम पर नचाता जाऊं। बस उसका बड़ा फोटो अपने दिल के डीपी पे लगाऊं। भगवान भी सोचता रहेगा क्या टकाटक पीस बनाया मैंने। उसके अंग अंग में रवानी, उछली मेरी जवानी। बाप गुरुजी, चमत्कार तो देखिए, उसका फ्लैट मेरे सामने ही है। अच्छा, तुम्हारा फ्लैट कहाँ है? चलो दिखाता हूँ।
हाँ, वो देखो डी ब्लॉक में रहती है। मेरा भी उसी में। एक बार मेरा टाका उससे भिड़ गया ना बापू, उससे अपने फ्लैट से घसीट कर अपने बेड पर लाऊंगा। 304 305 कहीं लोचा तो नहीं? वो 304 नंबर फ्लैट इनका तो नहीं? यही मेरा फ्लैट। मैं जिस जमीन में बीज बोने की बात कर रहा था, कहीं वो उपज इस किसान की तो नहीं? हेलो, तुम्हारा फ्लैट कौन सा है? 30 1103 के ऊपर वाला 11th फ्लोर, वैसे यहाँ से बहुत ऊपर है। आप कन्विंस तो है ना? कंफ्यूज्ड हूँ। देखो ये कोई जंकी गॉड लगता है, बियर के कैंस, पिज्जा और चिकन बर्गर, ऐसी चीजें खाने से उसका ऊपर जाने का टिकट जल्दी कटेगा। करेक्ट बोला, एकदम करेक्ट बोला। लगता है ये बैटरी मेरी पावर कट करके ही रहेगा। हेलो बेटा। सर सुनो, कुछ भी अड़ंग बड़ंग खाए बिना सुबह सुबह हरा भरा सैलड, उसमें 4 काली मिर्च डालकर रसम पी जाना, फिर देखना तुम्हारी हेल्थ कैसी झनझन आ जाएगी। काली मिरी का रसम और हरा भरा सलाद कल से नाश्ते में पक्का रहेगा। मेन्यू फिक्स, नो टेंशन। आप अंदर जाइए, जाइए ना। मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं ऊपर जाकर आपके लिए रसम बनाऊंगा। जाइए आप, जाइए ना, फ्रेश होके मैं आता हूँ। जाइए। जंकी का नाम, अच्छा टैग मिला है। तुम उनके घर के सामने ही रहते हो, ये पता चला तो क्या होगा? भड़केंगे, बड़ी गालियां देंगे, कोसेंगे, सलार के बजाय मेरा कचुम्बर बना डालेंगे। हिंदी शेक्सपियर की तरह हर एक पार्ट का खूबसूरती से वर्णन किया है आपने। हाँ। करेक्ट, झकास, टकाटक, क्या फिगर। अरे बाप रे, कहीं मेरी नजर ना लग जाए उसे। जब ऐसी छुरी मुझे पटे तो भला उस लुक के बाप से कौन डरे। आपने XXXXX के डायलॉग्स बोलने में सनी लियोनी को भी पीछे छोड़ दिया है। पता था इसी वजह से तू फंसेगा। अच्छा अब एक बात बताओ, उसकी इतनी अच्छी तरह से तारीफ कैसे कर रहे हो? मेरा बस चले तो पूरी जिंदगी तारीफ करूं। वैसे वो तीखी छुरी है, क्यूटी है, खुद को समझो वो परी। सेटिंग करने गया था बेटी से, लेकिन सेट हो गया बाप। लेकिन ऐसा कब तक चलाओगे? आज नहीं तो कल पता चलेगा। पता चलते ही मैं उससे अपने चंगुल में फंसा लूंगा, फिर उसका बाप मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अच्छा लड़की पता नहीं है क्या मुश्किल है। फाइनेंशियल पेपर्स लीक होने की वजह से कंपनी के शेयर्स में भारी गिरावट। सूत्रों के अनुसार इस खबर के बाहर आने से कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की कीमत भी गिरती जा रही है। अरे बाप रे। सर नई एम्प्लॉई है सर, न्यू इंडिया को भेजने की जगह गलती से न्यूज इंडिया को मेल भेज दिया, उसने जानबूझ के नहीं किया सर। उस बेचारी की कोई बेचारी कंपनी का नाम खराब हुआ, जाओ उसका टर्मिनेशन लेटर लेकर आओ और उसे कंपनी से निकाल दो। सर ये उसका फर्स्ट जॉब है सर, तो टेंशन में थोड़ा सा हो गया होगा, छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, जस्ट वन लेटर सर। जस्ट वन लेटर? तेरा भी डिसमिसल लेटर लेकर आ, मैं साइन करता हूँ, निकल जाए यहाँ से। यस सर, वेरी इररिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉई, उसके नाम का टर्मिनेशन लेटर टाइप करता हूँ विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। सेलेक्टिंग कम कर। आज मैं बहुत खुश हूँ पता है। जॉब गई और तू खुश है? जॉब गई लेकिन लाइफ सेट हो गई। व्हाट? इंटरव्यू के दौरान उसका कैरेक्टर देखा। ए निकल। अपार्टमेंट में जब शिफ्ट हुई तब उसका नेचर देखा। ऐसा लगता है जैसे मेरा फ्यूचर मिल गया मुझे। और क्या मिला तुझे? कैब मिल गई। पागल गई। अरे बाप रे, बुड्ढा देखे उसे पहले मुझे घुस जाना चाहिए। तुम लोग पैक करते रहो, मैं बस अभी बस गया। सुनो तुम यहाँ कैसे? आप सामने वाले के घर में क्या कर रहे हैं? कर क्या रहा हूँ, मेरा ही घर है भाई, कुछ कंफ्यूज हो क्या तुम? बराबर बराबर, कंफ्यूजन में आकर मैं सामने वाले के घर में नॉक कर रहा था। आप कन्विंस तो है ना गुरुजी? कंफ्यूज हूँ। हटो वहाँ से, वहाँ घटिया इंसान रहता है, जंकी गॉड। अंदर से सिर्फ आवाजें आती है, दिखता कुछ भी नहीं। अंदर आओ, फैमिली से मिलवाता हूँ, आ जाओ। बाल बाल बच गया। अरे चंद्रकला अंदर आओ, मेरी बीवी चंद्रकला, मेरी बेटी चित्रा। अरे सुबह मिला था ना, ये वही है। नमस्ते गुरुजी। हाँ। सामान अभी तक अनपैक नहीं किया क्या? अनपैक किया था बेटा, वापस पैक करना पड़ा। क्या हुआ, बॉम्ब फटे जैसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो? चिल, बेटी की नौकरी चली गई है। वैसे भी शादी की उम्र हो चली है, गांव जाकर अच्छा रिश्ता देकर इसकी शादी करा देंगे बस। कुत्तों से मरना चाहिए। आपको नहीं, आपको भी नहीं, जिसने निकाला उसे। ऐसी लड़की की तो सैलरी ट्रिपल होनी चाहिए। गधा, बेवकूफ, साइको होगा वो कोई। बेटा काला हो जाए उसका, सत्यानाश हो उसका। सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक की थी मैंने, उसके लिए कोई जॉब से निकालता है क्या? स्पेलिंग मिस्टेक? उस कंपनी का नाम क्या है?
आरवी कंसल्टेंसी। मैं ही वो गधा हूँ। वहाँ का कोई जनरल मैनेजर था, मोहन गांधी नाम था उसका, चोर कहीं का। कभी ना कभी जरूर सबक सिखाऊंगी उसे। छोड़ना मत उसे। गांधी के नाम पर बिन लादेन है वो। मेरा श्राप कभी खाली नहीं जाता। हाँ। जिंदगी में उसे जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा तथास्तु। अरे इतने श्राप क्यों दे रहे हो गुरुजी? वो अपने पाप खुद धो लेगा। इतनी सी बात के लिए घर छोड़ रहे हो? मेरे फ्रेंड की कंपनी में जॉब खाली है, कल से आपकी बेटी ज्वाइन कर सकती है, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। बेटी को गाँव ले जाकर अच्छा सा रिश्ता देकर उसकी शादी बहुत ही जल्द फिक्स करवा दूंगा। अगर तू झूठ बोला तो उसको ना। उसी को। फिर ठीक है, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। खुन्नस आ गई। रिलैक्स बिल्कुल। मंडे सुबह आकर 9 बजे पिक कर लेता हूँ। बंधन के तैयार रहना वरना लेट हो जाएगा। मंडे आ जाता हूँ गुरुजी। ओके बेटा। अच्छा अच्छा सुनो, मैं एक बात तो भूल ही गया, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मोहन गांधी। गांधी मतलब मोहन ग्रंथी, ग्रंथी मोहन कुमार। नॉर्थ इंडियन लोग सरनेम पहले लगाते हैं ना, बस वैसे ही सिचुएशन के हिसाब से। बाकी मैं मोहन गांधी नहीं हूँ। आप कन्विंस तो हुए ना? कंफ्यूज्ड हुआ। चलेगा, वैसे मेरा झूठ पकड़ा नहीं गया। कंफ्यूज ही रहना, मंडे रेडी रहना, चलता हूँ गुरुजी। अरे बाप रे, ये बुड्ढा बहुत खतरनाक है, आज रात भी ऑफिस में ही सोना पड़ेगा। सर 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 सर, क्या हुआ सर? बिना अपडेट दिए ही निकल रहे हो, अब आगे क्या हुआ बताओ ना सर, बताओ ना प्लीज सर, बताओ ना। उतावला हो रहा है तू, चिपका चिपकी काय को करता है? सर उसके बाप से तो फ्लैट नंबर छुपाया है, उस लड़की से अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी, अब उसके माँ से क्या छुपा कर रखने की नौबत आ गई है सर, थोड़ा ध्यान दो ना सर। इस तरह का गंदा डांस किया तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, घर जाके सो जा। सर कल की ब्रेकिंग न्यूज के लिए वेटिंग सर। रोज रात को एक पपीता काटा करो और उसे खाकर सो जाया करो, सुबह बहुत ही स्मूथली सब निकलेगा। प्रॉब्लम जब देखो जाता रहता है, मेरा कुछ काम भी होने नहीं देता। कहां से जाऊं मैं ऊपर, पाइप से चढ़कर जाता हूं। मम्मी बिल्डिंग में लिफ्ट और सीढ़ियां होकर कोई फायदा नहीं, खुद के घर में चोरों की तरह जाना पड़ रहा है। ये कौन है इतनी रात को पाइप से चढ़कर? कौन है? चोर है, चोर है। बस यही बाकी रह गया था। यार चोर है, जल्दी आइए। अगर पकड़ लिया तो मेरे को तोड़ डालेंगे। उसकी माँ ने तुम्हें देख लिया। बहुत हंसी आ रही है ना, बत्ती से बंद करो अपनी, इसमें हंसने जैसी कौन सी बात है? उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, मेरी बैग देखी है। अरे बैग क्या देखना सर, देखने की चीज तो फ्रंट में होती है ना। तेरे को बहुत नॉलेज है, ऑफिस में मेंटल लोग बढ़ते जा रहे हैं, जाकर साइकेट्रिस्ट को दिखा। अरे यार देखने की चीज तो फ्रंट में होती है ना। हट। सासू सुर में गा रही है, मैनेज करना पड़ेगा। श्रेया जी, श्रेया जी, आप तो चंद्रकला हो, मैंने श्रेया जी समझ लिया। कोई बात नहीं, आप जो भी समझे सब ठीक है। यहाँ पर सब कुछ कंफर्टेबल तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक ही है यहाँ पर। आजकल इस एरिया में चोर बहुत बढ़ गए हैं। परसों एक चोर आया था, यहाँ से पाइप से ऊपर चढ़कर फ्लैट में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे देख लिया था, बस चेहरा नहीं देख पाया। चेहरा देखे बिना कैसे पहचानो? अरे बैग तो देखिए ना, उतना काफी है। अरे वाह क्या टैलेंट है, बैग देखकर पहचानती हूँ। बिल्कुल पहचान लूंगी, बहुत एक्सपीरियंस लगता है। आप आज यहाँ कैसे? मैं बस देखने आया था, यहाँ कोई लोचा वोचा तो नहीं हो रहा है ना? अंदर सब ठीक है ना? हाँ, हाँ, सब ठीक है, बस सब अच्छा है, थैंक यू। अबे यार ये क्या मुसीबत है, खुद के घर में चोरों की तरह आना जाना पड़ रहा है। चित्रा जी। हाँ? चित्रा जी टाइम हो गया है, निकलना होगा। 2 मिनट में आ रही हूँ। चित्रा हेलो, सब कुछ ले लिया? कैसे हो बेटा? अरे बैग तो ठीक है, कहीं मेरी बैग से ही मुझे पहचाना नहीं। सब ठीक तो है ना? आंटी बात यह है ना, काम पर जा रहे हैं ना। हाँ? आपकी शक्ल देखकर जाएंगे तो शुभ रहेगा। अच्छा, तुम भी रीति रिवाजों को मानते हो बेटा। अच्छा? तुम्हें देखकर बहुत प्यार आता है। थैंक यू। थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे, थोड़ा और पीछे। आप ठीक है, चलते हैं। जल्दी आना बेटा। अरे सुनो बेटा, 11:45 राहु काल शुरू हो जाएगा, उसके पहले ऑफिस पहुंच जाना ठीक है? मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा, अच्छा मौका मिला है ना। बिना जाने जॉब से निकाल दिया, ठीक है, जानने के बाद तो तू खुद भी जॉब दे सकता है ना। Why bring her to me? क्योंकि हमारे यहाँ आधे घंटे में उसने करोड़ों रुपयों का लॉस करवा दिया। अरे दुष्ट कहीं के, हर महीने सैलरी और काम दोनों ही देना रिस्क होगा ना? बहुत बड़ा रिस्क है, बस उसे नौकरी दिए ऐसा नाटक करो काफी। okay, अपनी नई एम्प्लॉय को देखना चाहोगे? ब्यूटीफुल हेमंत,
कोई ऐरा गहरा इसके पास ना जाए, इसका ख्याल रखना है। मतलब सैलरी के साथ सिक्योरिटी भी तेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक केयर। थैंक यू ऑफ हर। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड हेमंत। ओके बाय, कंग्रेचुलेशंस, ऑल सेट। सिर्फ मेरी मदद करने के लिए तुमने कितनी मेहनत की, ये देखकर मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच जी। अगर तुम मुझे जॉब नहीं दिलाते ना, तो मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देते। बचपन में मिला था माँ से मुझको प्यार, साथ में मिला था दादी माँ का दुलार। स्कूल में भी जाके मुझे पढ़ना था पसंद, रंगोलियाँ बनाना था मुझको पसंद। हरियाली से था मुझे तो प्यार, सुंदर नजारों से मुझे था प्यार, सारी दुनिया से ही था मुझको तो प्यार। अब तो मुझे एक तुमसे ही प्यार, दिल से तुम्हारा प्यार, चूड़ियों की खनक में बसा तुम्हारा प्यार। ख्यालों में तुमको लाके करती हूँ तुमसे प्यार, सांसों में भी मेरी बसा है प्यार, धड़कनों में भी बसा है प्यार, अब तो मेरी रग रग में बसा है ये प्यार। ये सब लोग मैं तुम्हें बैठो बेटी बैठो, मैं अभी आती हूँ। एक बार ये भाई चेक कर लीजिए। अरे खींच क्यों रही हो, बहुत बात करनी है। ग्रीन सिग्नल मिल गया क्या? क्या ग्रीन सिग्नल? जाने दे, मैं बात करती हूँ। महालक्ष्मी, मैं उसे सिर्फ इंट्रोड्यूस करने लाया हूँ। एक्साइट होकर काम बिगाड़ क्यों रही हो? ऐसे भी इसके बस की बात नहीं, कल चलकर इसके पिताजी से मिलकर शादी की बात करते हैं। शादी कर दोगे? मेरी नौकरी दी है तो इतना सुनाते हो, शादी करवाओगे तो मैंने करवाई है, मैंने करवाई है, ऐसा पूरी जिंदगी कहते रहोगे। आप शांत रहिए, आई विल मैनेज। आपकी एक्साइटमेंट थोड़ी कम कीजिए प्लीज, प्लीज। इसे भेज दो। हाँ चित्रा बोलो। अर्जेंटली 1 किलो लड्डू और 2 किलो हलवा लेकर आओगे प्लीज? स्वीट खाकर स्वीट न्यूज देगी लगता है, कंफर्म। लोकल शॉप में तेल ज्यादा टेस्ट कम होता है, लोखंड वाला से लाऊं? नहीं, क्योंकि लोखंड वाला तो यहाँ से बहुत दूर है ना। वो क्या है ना कि आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़के वाले आ रहे हैं? ठीक है अपना काम करो, किसी को बताना मत। चित्रा आज जो भी है क्लियर कर देता हूँ। अपने मॉम डैड को बाहर बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है। ये रिश्ता पक्का हो जाए इसीलिए मंदिर में पूजा कर रहे हैं। वो छोड़ो, साड़ी में कैसी लग रही हूँ? बैक से ठीक है ना? ऐसे टर्न लेकर मेरा टेम्परेचर मत बढ़ाओ। घूमो, अरे जरा घूम तो जाओ। हॉट तो लग रही हो ना, लड़के को पसंद तो आऊंगी ना। अब इस खूबसूरती का मैं क्या करूं? जाने दे मुझे। एक बार लड़के से आकर मिल तो लो। अंदर है क्या? इंट्रोडक्शन करवाओगी? मेरा और इंसल्ट करना बाकी है क्या? कैसा लग रहा है गांधी जी? गांधी तो सीधे साधी लड़की नहीं है, बहुत पहुंची हुई है। सुन, मौका अच्छा है, यहाँ कोई नहीं है। गले लग चुकी है चित्रा की शादी के बाद। तो वही आदमी लगता है, वही बैग है। फंस गया। तुम वही हो ना जो उस दिन पाइप से चढ़ रहे थे? मैं था। चोर कहीं के, दूर हट दूर हट। हम बहुत संस्कारी किस्म के लोग हैं। कैसी जोड़ी? कैसी बातें कर रहा है? सुन रहा हूँ। ए, तूने तो कहा था कि घर के सामने वाले से प्यार करता है। यही है सामने वाला, वो जंक फूड खाने वाला जंकी गॉड तू है? मैं ही हूँ। फिगर झकास बोला था ना? हाँ। अरे बाप। अच्छा, वो सारी बातें मेरी बेटी के लिए बोली? गुरुजी, ऐसी बात नहीं है गुरुजी। हाँ, लड़की को पटाने की स्ट्रगल आप समझ सकते हैं। लड़की हाँ बोलती नहीं, बाप जल्दी मानता नहीं। मुझे अपना दामाद बना लीजिए, मेरे ससुर बन जाइए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुरुजी, गुरुजी मान गए, तुम हो एकदम टकाटक चिक, तुम्हें देख के लगती है मुझे किक।
छोड़िए। तूने मेरे पल्स ये चांस मिला है लकी करूंगा ना मिस। फुल किक को, फुल किक को, फुल किक को, फुल किक को। ये तेरी आंखों ने दिया है लव सिग्नल्स, आ करे शुरू हम ये लव की रेस, आ ब्रेक भी ना करे हम ब्रेक डांस। फुल किक को, फुल किक को, फुल किक को, फुल किक को। आ बन जाए हम दोनों आज डबल्स, सिंगल से हो जाए आज कपल्स, टच हो जा मुझसे तो करेंगे प्यार शुरू। फुल किक को, किक को, फुल किक को, फुल किक को, फुल किक को, किक को, किक को, किक को। तेरी सुपर मॉडल सी, तू गजल की सी, शायर की ड्रीम गर्ल सी, मैं हूँ तेरा आशिक, दे एक चांस तो। फुल किका, फुल किका, सबसे पहला तू ही मेरा प्रेफरेंस, कंट्रोल रख दिल पे तू ना खो बैलेंस, अरे बात मेरी मान रख तो कुछ तो सेंस। फुल किका, तेरी मेरी जोड़ी है मैचिंग मैचिंग सी, बीच में डिफरेंस रख दे तू डिस्टेंस, दिल मुझको ग्रीन सिग्नल तू। ग्रेट फैन हूँ और दिल के गूगल मैप में बसी जान तू, गैप कोई अपने बीच आने ना दो। फुल किक, फुल किक, हे यार तुझ में गजब का अट्रैक्शन है, रियल हीरो वाले तेरे सब एक्शन, सारे शहर में ना कोई तेरा ऑप्शन। फुल किक, अरे मेरे दिल की बात सुन, तू समथिंग समथिंग, तू है मेरा लिरिक्स, कर ले रोमांस, आजा कर ले तू चांस पे डांस। फुल किक, फुल किक, फुल किक, फुल किक, किक, किक। हे बॉबी सर, अभी आइए आइए ना, अंदर आइए। इतना एक्साइटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं। हाय बेबी, कैसी हो? नमस्ते जी। नमस्ते। कैसी हो तुम? नमस्ते अंकल। नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं आप? चित्रा, सबके लिए कॉफी बनाओ ना। सिर्फ कॉफी पिलाकर शादी को 6 साल भी हो गए, एक बार भी इसने खाने पर बुलाया है कभी? इसने तो कॉर्टेसी के लिए एक मिस्ड कॉल भी नहीं। मेरे घर पर वेज हमारे लिए छोड़कर नॉन वेज यहाँ तक ठूस कर खाता है ये। एटलीस्ट अंकल तो जेंटलमैन है, कम से कम खाने पर तो बुलाया उन्होंने हमें। अरे बाप रे, इतनी वैरायटीज हैं। आज तो डाइटिंग वाइटिंग भूल जाओ, दबा कर खाऊंगा। सलाद से शुरू करेंगे ना, इसीलिए पूछा। आप फिक्र मत कीजिए, हम ले लेंगे। आप लोग बिल्कुल भी मत शर्माना। लीजिए, करेले का जूस और ये तराई का जूस। कद्दू का जूस नहीं है क्या? हाँ वो भी है, लेकर आती हूँ। का इनविटेशन मिलते ही दोनों भुक्कड़ की तरह खाने आ गए हो ना, अब भुगतो। चंद्रकला जी समझाइए। लगता है थोड़ा सा शर्मा आ गए हैं। खाइए ना सर, सब ऑर्गेनिक तरीकों से उगाया है। वो तो ठीक है, पर इसे पकाना भी चाहिए ना। उगाना और परोसना, इसके बीच में पकाना भी होता है, ये कॉन्सेप्ट इन्हें पता नहीं है, है ना ससुर जी? पकाने से विटामिन्स कम हो जाते हैं, खाएंगे तो हम कम हो जाएंगे। हेल्थ इज वेल्थ सर, ये लीजिए ट्राई कीजिए, तुरई है स्पेशली फॉर यू। छिली हुई तुरई ही तो है, इसमें स्पेशल क्या है? आपके लिए छील कर रखा है, मेरे को छिलके के साथ ठूसना पड़ता है। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मुझे तो भूख लगी है सर। देर क्यों कर रहे हैं, खाइए ना।
हेल्दी रहेंगे। रहने दीजिए, हम भूखे ही ठीक हैं। सॉरी, हेलो, हाँ हाँ, इमरजेंसी है क्या? लेकिन अभी तो हम लोग खाने के लिए बैठे हैं, डॉक्टर ने आने के लिए बोला। हाँ ठीक है ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं। हाँ हाँ, इमरजेंसी है, मुझे भी जाना पड़ेगा। थोड़ा सा तो खाकर जाइए। इमरजेंसी है ना, मैं जा रहा हूँ। चलो यार से रुकिए, आते हैं। दिमाग चाट गए थे, खाने पे बुलाओ, खाने पे बुलाओ। अब हर हफ्ते आना खाने के लिए। थोड़ा पैक कर देता हूँ, रास्ते में खा लीजिएगा। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। कहो तो होम डिलीवरी कर दे। वो वाइफ को लेबर पेन है, कभी भी हो जाएगा। चलिए सर, चल चल चल। अब तक तो सब ठीक था, उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई। सर, सब कुछ अनलोड हो गया है। ऐसे सेफली पहुंच गए। लोकेशन सेफ है ना? 100% सेफ। आपसे रिलेटेड लोकेशन ना होने की वजह से किसी को शक भी नहीं होगा। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, उनकी पूरी नजर हम पर ही है। टेक केयर। श्योर सर। ये MLAs की लिस्ट है। संडे 6:45 को बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, उसी मुहूर्त में सबको पैसा पहुंच जाना चाहिए। उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग केस में CBI वालों ने सर को अरेस्ट कर लिया था। हाय, गुड मॉर्निंग, होप यू आर कंफर्टेबल। आई एम अर्जुन भारद्वाज। And this is... मैं प्रशांत सर। मुझे गुस्सा जल्दी आता है, सो प्रशांत को रखा है। ये प्रशांत। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? एक ट्रांजैक्शन के लिए 10,000 करोड़ का, जो तुम्हारे पास पहुंचा है, ऐसी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। उसी सिलसिले में एक छोटी सी इंक्वायरी। किसी ने दी हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप मुझे अरेस्ट करेंगे? यू नो आई एम अ रिस्पेक्टेबल पर्सन इन द सोसाइटी। इसीलिए हम आपको बिठाकर बात कर रहे हैं सर। तो गजेंद्र सिंह के बेनामी अकाउंट्स के फाइनेंशियल एडवाइजर तुम ही हो ना? सर, आपका एक्सपेक्टेड कॉल होम मिनिस्टर की तरफ से। राजशेखर जी के अरेस्ट के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं सर। हल कर ले सर, बाद में बात करेंगे, ठीक है? इतनी सी बात के लिए होम मिनिस्टर को क्यों परेशान कर रहे हैं? मेरे सवालों का जवाब दे देंगे तो 1 घंटे में घर छोड़ दूंगा आपको। सर, कट कर यार। जब तक तुम बात नहीं कर लोगे फोन बजता रहेगा। राजशेखर जी, मामले को पेचीदा मत बनाइए, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए प्लीज। सर, हेलो सर, अर्जुन भारद्वाज। 1/2 घंटे में वो उसके घर पर होना चाहिए, बाद में मैं और तुम बात कर लेंगे। नहीं तो तुझे नहीं तो क्या उखाड़ लेगा रे? ये और कोई काम नहीं है क्या भड़वे? दोबारा कॉल किया ना तो तेरे पिछवाड़े में डंडा घुसा दूंगा। फोन रख। अरे तेरे मिनिस्टर की तो बजा डाली, अब तेरा क्या इरादा है? छोटे छोटे आसान सवालों से शुरू करते हैं। वो पैसा तुझे किसने दिया और इस वक्त वो कहाँ है? ओके, नो टेंशन। प्रशांत सर के लिए इंतजाम किया है ना? किया है सर। गुड, मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है। ये जबान में मिनिस्टर को समझाया, उसी प्यारी जबान में तेरे लॉयर को भी समझा दूं। चार दिन में सब लोगों के पास पैसा पहुंच जाएगा, आप लोग जाओ। ओके ठीक है सर। सर आपने बुलाया? राजशेखर के पास मेरा पैसा फंस गया है, 10,000 करोड़। प्रॉब्लम यह है कि वो पैसा कहां है सिर्फ राजशेखर जी को ही पता है। 10,000 करोड़ अपनी कुर्सी के नीचे दबाकर जेल में जाकर बैठा है तेरा CEO। पैसा कहां है पूछा तो वो मुझसे भी छुपाकर नाटक कर रहा है। तू जाकर
उससे बोल। एक हफ्ते में मेरा असेंबली सेशन है, उससे पहले मुझे वो पैसा चाहिए, नहीं तो उसके घर में एक कुत्ते का बच्चा भी नहीं बचेगा। सर, राजशेखर जी से मैं बात करता हूँ, आपको पैसा मिल जाएगा। मेहरबानी करके उनकी फैमिली को कुछ मत करिए सर, प्लीज। इसे राजशेखर से मिलाने का इंतजाम करो। ओके सर। राजशेखर से कोई नहीं मिल सकता है, ऐसा अर्जुन सर का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। होम मिनिस्टर की वजह से बहुत ही रिस्क लेकर ये मीटिंग अरेंज की है। यू जस्ट हैव 2 मिनट्स। थैंक यू सर। हे गांधी, ये क्या किया? इन सब गलत कामों के वो कितना पैसा देने वाले थे? तुम भी मुझे हमारी कंपनी जब फाइनेंशियल क्राइसिस में थी तब होम मिनिस्टर ने हमारी मदद की थी। मेरी जरूरत में उसने मदद की और बदले में अपनी जरूरत के लिए वो यूज करेगा ये नहीं सोचा था। मैं उसकी बात हरगिज नहीं मानता, लेकिन उसने मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। अब तो बता दीजिए उसका पैसा कहां रखा है। बता दिया तो अगले ही मिनट वो मुझे मार डालेगा। उसके इलीगल मनी की डील्स, डिटेल्स सब कुछ मुझे पता है। अगर मैं कोर्ट तक पहुंच गया तो वो बुरी तरह फंस जाएगा। होम मिनिस्टर ने वादा किया है वो आपको कुछ नहीं करेंगे, अगर पैसे कहां रखे नहीं बताया तो वो फैमिली को खत्म कर देंगे। अर्जुन आ रहे हैं सर, उनके आने से पहले एक मिनट बात करने दीजिए सर। सर, अभी कुछ पूछना है प्लीज सर। सर, बहुत अर्जेंट है सर। सर, मेरी बात सुनिए सर। Chill. What a smart man you are. तुझे हम लोग यहाँ पे क्यों उठा के लेके आए हैं? ये तो तू समझ गया होगा। नहीं समझा क्या? I will show you something. थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए छोटा सा शो दिखाता हूँ। बहुत गुण होते हैं। हाँ से मैं भी विनर बनना चाहूँगा। वो सब लोग मेरे ही हैं। ये सब यूएस से आए हुए तेरे कजन से, ऐसा तेरी वाइफ से एक छोटा सा झूठ बोला है, फर्स्ट टाइम ना, इसलिए वो लोग बहुत एक्साइट हो रहे हैं, हम तेरे रिश्तेदार हैं सोचकर। क्या चाहिए तुम्हें? इन्फॉर्मेशन। कैसी इन्फॉर्मेशन? पैसा कहाँ है राजशेखर के बताते ही, पहले मुझे बताना है, होम मिनिस्टर को नहीं। याद रखना, मेरे लोग तेरे घर में ही रहेंगे, लेकिन आप होस्ट नहीं, हॉस्टेजेस। डोंट वरी सर, एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द प्लान। हमारी नाक के नीचे ही हमारी बेटी से इश्क लड़ा रहा था तुम्हारा गांधी। ये हमेशा से ऐसा ही है। क्या अभी आपके इतने सारे कजन से आपने बताया नहीं कभी? जब उसके मॉम डैड एक्सपायर हुए तब भी हमने याद है। That is why he's angry with us. ऐसा ही है ना? देख बेटा, जो होना था वो हो गया, भूल जा। देखो ना, ये लोग इतनी दूर से हमें ढूंढते हुए यहाँ आए,
पुरानी बातें मन में रखना अच्छी बात नहीं है. लेट गो. अच्छा चलो पहले फ्रेश हो जाओ, बहुत थक गए हो. आज कितने थके हुए लग रहे हो, पहले जाके नहाओ. चित्रा ये लो, आरती लो, बाकी सबको दे दो. आप कौन? अर्जुन फ्रॉम सीबीआई. May I come in? Yes, sir. Thanks. Nice house. ये आपकी वाइफ है? जी हाँ सर. आप कॉफी बहुत अच्छी बनाती है सुना मैंने. जी अभी. Thank you. कस्टडी में जो क्रिमिनल्स होते हैं उन पर खुद की प्रेमिका से भी बढ़कर नजर रखनी चाहिए. उनसे मिलने कौन आता है, क्यों आता है, कब आता है, we should keep an eye. सुना है राजशेखर से मिलने गया था वो सर. नेक्स्ट टाइम चोर की तरह मिलने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पर्सनली मिलवा दूंगा. चल तू उससे पूछ कि उसने पैसे कहां रखे हैं. तो उससे पूछेगा तो वो तुझे जरूर बताएगा. सर मुझे एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम मैं ही हूं. अगर मेरे साथ ठीक से कॉपरेट नहीं किया तो लेट्स गो. सर वो पैसा कहां रखा है बताइए, वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे. समझने की कोशिश कीजिए, फैमिली बड़ी खतरे में है, आप उन्हें बचा सकते हैं. कुछ तो बताइए सर. तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बात समझो. उनकी फैमिली और मेरी फैमिली को बचाना था. पैसे कहाँ रखे हैं होम मिनिस्टर को बताकर राजशेखर जी की फैमिली सेफ हो जाती, उसके बाद वही इन्फॉर्मेशन डेविड को देकर मेरी फैमिली भी सेफ हो जाएगी सोचा था. ओके सर. कैश पूरा है सर. जल्द से जल्द कैश हमारी लोकेशन पे पहुंच जाना चाहिए. तुम ध्यान रखो. ओके सर. सर राजशेखर जी की फैमिली छोड़ दो उन्हें. ठीक है सर. थैंक यू सर. तुम बाहर वेट करो. अच्छा थैंक यू, मैं वेट करता हूँ. अब राजशेखर का क्या करें सर? उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो. हेलो सर, मैं गांधी बोल रहा हूँ. राजशेखर जी को कस्टडी में ही मारने वाले हैं सर. प्लीज सेव हिम सर, प्लीज सर. गांधी सर लोकेशन पर चलें. ओके सर. ये रहा पैसा. किसी को भी इसके बारे में मत बताना. अब निकल. बोल. पैसे कहाँ है पता चल गया? I'm on my way. निकल. Hi bro. कैश अंदर उस घर में रखा है. सर, अपने आदमियों से कहिए मेरी फैमिली को छोड़ दे सर. हाँ हाँ थोड़ा सबर तो कर. तेरा फोन दे. क्यों सर? Just a precaution bro. सर. अच्छा. The
10,000 करोड़ की असली करेंसी ले जाकर यहाँ फेक करेंसी क्यों? Relax, baby. You know who I am. Just chill. चलो जल्दी. कैश कंटेनर में लोड कर दिया है सर और जीपीएस ट्रैकर भी लगा दिया है. ओके. 4 घंटे में पैसा हमारे पास पहुंच जाएगा. ओके. एग्जिट पॉइंट मिल गया है. यस. गांधी का मोबाइल सिग्नल लास्ट में घाटकोपा के पास कट हो गया सर. अगर मेरी बात सही है तो इसी घर में पैसे होने चाहिए. आई डोंट थिंक सो. सर ये देखो, ये जायज के निशान अभी अभी निकले हुए हैवी कंटेनर्स के हैं. मनी ऑन व्हील्स. सर ट्रक पास हो रहा है. ओके. टेक पोजीशन. करेंसी के बॉक्सेस भरकर और इसमें ओरिजिनल करेंसी के बॉक्सेस यहां चिपकर. क्विक फास्ट. इतना टाइम नहीं है मेरे पास. ऑयल टैंकर कम इन. ये करेंसी को फॉरेंसिक लैब में भेज दो. Okay, मुझे जल्द से जल्द इसके रिपोर्ट्स चाहिए. Yes, sir. दस हजार करोड़. फाइनली 10,000 करोड़. सर हा? आपको तो आपका सारा कैश मिल गया सर. अब तो मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए. मुझे अपना फोन मिल जाए तो. hey, फोन देना. One second, bro. Two minutes. Just 2 minutes. Sir, आपके प्लान के हिसाब से सारे बॉक्सेस सेफली पहुंच गए. We have done it, sir. Sir, अब इस गांधी का क्या किया जाए? With pleasure. Sir, फोन दे दो उसका. ठीक है. ये ले. All the best, brother. Thank you, sir. Just missed. Hey,
शांति के घर पे ही हो ना? वहाँ शांति है भाई, हम लोग बाहर है। गांधी यहाँ से बचकर भाग गया है, उसके घर में घुसकर पूरे परिवार को खत्म कर दो। ठीक है भाई। कौन है देखो? Come on, pick up the phone. मम्मी, डैडी का फोन है। हेलो, बोलिए। लीजिए, आपके लिए। चित्रा, हेलो, हेलो, चित्रा। हेलो। हेलो। घर पे जो लोग आ रहे हैं वो मेरे कजिन नहीं है। सुनाई नहीं दे रहा। मेरी बात गौर से सुनो। हेलो चित्रा, जो लोग आ रहे हैं वो मेरे कजिन नहीं है। हेलो चित्रा, मत बोला चित्रा। चलो दरवाजा खोलो। खुशी बेटा, खुशी बेटा, चित्रा, खुशी बेटा।
क्या हुआ बेटा, कौन हो तुम? मेरी फैमिली को जिसने मारा है, 10,000 करोड़ भी उनके पास है अगर ये मैंने बता दिया तो वो लोग मेरी बेटी को भी मार डालेंगे, इसीलिए सारा गुनाह मैंने अपने सर ले लिया और सरेंडर कर दिया। उसके बाद अर्जुन मुझे जेल में मिला, उसने मुझसे पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। डोंट वरी गांधी, मैं पापा से तुम्हारे बारे में बात करूंगी, पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। गांधी, तुम्हारे ससुर गुजर गए ऐसी खबर आई है। मैडम, आपके मिलने का टाइम खत्म हो गया। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? उन्होंने मेरे पिताजी की कमी दूर की थी, एक बेटे के हैसियत से उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। तुम ही हो ना बॉबी? जी हाँ, लेकिन आप? एक्चुअली तुम्हारे बारे में गांधी ने बताया मुझे। वो उसके पिताजी की तरह थे, आखिरी बार उनको देख भी नहीं पाया। देखो तुम टेंशन मत लो, गांधी को यहाँ से निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू, सी यू। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। हेलो। यस सर। कनेक्ट मी टू सीएम ऑफिस। बताइए मिस्टर अर्जुन। फॉरेंसिक रिपोर्ट में करेंसी फेक है, ये प्रूफ हुआ है। ऐसा क्या? सर, आई थिंक आई शुड मीट रामकृष्ण राइट नाउ। प्रोसीड। स्टेट इंटेलिजेंस चीफ जयराम। नमस्ते, बोलिए सर। मोहन गांधी के नाम का कोई बेल ऑर्डर आया है क्या? आया है सर। अर्जेंटली बेल कैंसिल करो। ओके सर। इट्स अर्जेंट। जेल से रिलीज हो रहा है। स्टॉप हिम एट एनी कॉस्ट। टास्क फोर्स। उसे रोको। डोंट शूट हिम, आई वॉन्ट हिम अलाइव। ओके सर। Thank you.
come my love. Stop it, Gandhi. Your game is over. Shut up. You can't catch me. तो बच नहीं सकता. बेटी को कुछ मत कहना प्लीज. दादी क्या है ये सब? शट अप प्लीज. मदद की है तुमने. डैम इट. तो क्या वो गांधी नहीं है जिसने अपनी फैमिली का मर्डर किया था? आई फुट सब झूठ है ये. वो ये नहीं है. उसने रामकृष्ण की कहानी सुनाई. किल 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 तुमने कितना बड़ा क्राइम किया पता है तुम्हें? डीजीपी की बेटी है ये जानते हुए तुमने ऐसा किया. तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी अंकल, उन्होंने मुझसे वादा किया कि मुझे 5 लाख रुपए देंगे, तो मैंने पूजा को फेक फोटोज, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक न्यूज क्लिपिंग्स दिखाए जिसे वो सच मान ले. लेकिन इसे क्रिमिनल को भगाने में मदद मिलेगी ये नहीं पता था. आई विल नॉट लीव दैट ब्लडी क्रिमिनल गांधी. भले ही वो एक क्रिमिनल क्यों ना हो, पर है तो एक जीनियस डैड. तुम जानती भी हो पूजा तुम क्या कह रही हो? उसने तुम्हें धोखा दिया है. इस क्राइम में तुम्हें फ्रेम किया. इसीलिए तो मैं उसे जीनियस कह रही हूँ. मैं भी कोई कम नहीं हूँ डैड. आई डिड माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी. ही मैनिपुलेटेड मी इन जस्ट 2 मीटिंग्स एंड मेड मी फॉर्ज हिज सिग्नेचर्स. ऐसे आदमी की तारीफ कर रही हो, मुझे तो लगता है पहले तुम्हें साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा. डैड आप पुलिस है, क्रिमिनल दिखता है तो अरेस्ट करते हैं. मैं क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ, क्रिमिनल्स पर स्टडी करती हूँ. नो नो, यू कांट मीट हिम. उसने तुम्हें धोखा दिया. मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा. Because वो किसी को भी चीट कर सकता है. चीटिंग में अगर उसे रेटिंग देंगे 10 out of 10 दे सकते हैं. मेरी 20 साल की सर्विस में मुझसे बचकर भागने वाला ये इकलौता क्रिमिनल है. गांधी उसका असली नाम नहीं है. इट इज द हाइट ऑफ सार्कास्म. इज अ मिस्ट्री. उसका एक ही पैशन है, पैसा. ओनली मनी. पैसा हमारे लिए जरूरत है, लेकिन उसके लिए पैसा ऑक्सीजन की तरह है. मुंबई क्राइम ब्रांच में जब मैं ACP नियुक्त था, तब गांधी इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था. उसे पकड़ने के लिए मुझे एक स्पेशल ऑफिसर के तौर पे डिप्यूट किया गया. वो इंडिया से भागकर दुबई से ऑपरेट कर रहा है, ऐसी खबर मुझे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से मिली. और उसका पीछा करते हुए मैं दुबई पहुंचा.
He's a crime master. He's a crime poster. इसे मिलना है मुश्किल, पकड़ना है मुश्किल. So you got to run faster. He's a spellcaster. Money monster. नामुमकिन को कर दे जो मुमकिन. खिलाड़ी है ये तो blockbuster. क्या गलत है क्या सही सोचना ये साला. पैसे वालों का निकाले ये तो दिवाला. रॉबरी की पार्टीशाला. मनी का ये घोटाला. करता है ये हाईएस्ट हवाला. किल 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 खिलाड़ी. किल 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 खिलाड़ी. छुपा लो कहीं भी मनी. ढूंढ ही लेगा साला. लॉकर हो स्ट्रॉन्ग चाहे कितना भी. तोड़ ही देगा साला. हीरो बड़ा हो कोई कितना भी. चोकर उसे दे बना. करेंसी कैसी भी हो कहीं भी. ये तो चुरा लेता. ब्रेन इसका बड़ा फास्ट चले. रखता बड़ी सोचिए. रनर ये तो देखो सबसे बड़ा. Kill, 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 पैसा कर हो कितना भी. खाली कर दे ये सारा. अपनी ही शर्तों पे काम करे. फ्रीलांसर है साला. रखी कंठी में तहलका मचाए. धूम है इसकी मची. करके दिखा दे जो भी वो सोचे. इसका जवाब ना कोई. परवाह खतरों की ये करता नहीं. खिलाड़ी बनाइए. दिल में इमोशन ये रखता नहीं. सबसे सेल्फिश है. Kill, 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 kill. So, it's 4 million dirhams. Yeah, 4 million dirhams. हजार करो गांधी. मैंने उसके फोन कॉल्स, व्हाट्सएप सब कुछ स्कैन किया. यहां से 10,000 करोड़ इंडिया में जाने की कंफर्मेशन है. कब, कहां, कैसे, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं. 10,000 करोड़. 1 0 0 0. एक एक जीरो बढ़ने से कितनी बड़ी अमाउंट लगती है ना. आई एम श्योर ही इज जस्ट अ साइड किक. उसे कंट्रोल करने वाला किंग पिन कोई और है. ये डिटेल्स गांधी को मिलते ही डिकॉस्टा ने उसके किंग पिन को ही धोखा देते हुए बहुत पैसा साइड किया है. गांधी ने डिकॉस्टा को ब्लैकमेल करना शुरू किया. What do you want from money? 10,000 crores. Tell me where and how it is being shipped. I don't know, sir. Only Balwant Singh knows. Ah, please don't lie to me. Security around Balwant Singh. Hmm? His location is very confidential. I know his strength. Tell me his weakness. Aditi. Aditi. Chicken pub mein bar gali. पैसे कमाने वाले को पैसे के अलावा दूसरा वीकनेस नहीं होना चाहिए. हेलो अदिति. व्हाट्स अप? एंजॉयिंग द वेदर? ये कौन है? आई ऑल्सो जॉइन यू. कमिंग. मैं एक खिलाड़ी हूँ. तेरे लिए एक बढ़िया ऑफर लेकर आया हूँ.
उस बलवंत सिंह को तेरे पर क्रश है और उसकी तिजोरी में भर भर कर कैश है। अगर उसके क्रश का फायदा उठाकर उसके कैश को ले उड़े तो जमीन के आसमान का कोना कोना खरीद सकते हैं। थिंक बिग। अब उनका टारगेट 10,000 crores। क्या बात कर रहे हो? क्या 1000 The melody of money. Come, join the gang. Come, baby. This is Aditi. Hi. ये हमारे crew members. Paresh Patel, expert hacker. Hello. और ये Bobby. Hi. ये duplicate documents को original जैसा बनाता है. इसके बनाए duplicate passport पर कोई भी उड़ान भर सकता है. That's me. And that's my darling, Racer Chandni. Let's get going. Yeah, चलो. मिस्टर माचो मैन नाचो संग में नाचो मैन नॉटी डेट पे चलो मैन न ज्यादा कुछ भी सोचो मैन राइट क्या है रॉन्ग क्या है इससे हमको लेना क्या है मेरा है तू रॉबिन हुड तू है सुपरमैन विस्की बिना ग्लास क्या है रिस्क बिना रेस क्या है पास्ट के बिना क्या है स्पाइडर मैन कैच मी इफ यू कैन Teach me what you can. जैसे है बस तेरा कैच मी इफ यू कैन टीच मी व्हाट यू कैन क्रोस का कैश है कहाँ? वो तो सिर्फ बलवंत सिंह को ही पता है। पैसों पर नजर रखने के लिए लाइव ट्रैकर को फोन से यूज कर रहा है। फोन भी तो ट्रैक कर सकता है ना? इम्पॉसिबल। आईफोन इज हाईली एनक्रिप्टेड। उसे हैक करना आसान नहीं है। वो चांस नहीं है, इसलिए तो आदिति को टीम में लाए हैं। आदिति, दिस इज योर जॉब। ओके। बलवंत सिंह का अभी अभी मैसेज आया है। कल सुबह 10 बजे प्रेसिडेंशियल होटल। Thank you.
Where is Balwant Singh? Balwant Singh is not here. He is in other place. You'll have to come with me. Gandhi, Balwant Singh nahi aaya hai aur usne kisi aur ko bheja hai. Parish Patel, Balwant Singh nahi aaya hai. I thought he asked me to meet him at this hotel. No. Please, come. Welcome, baby. Let's have fun. You're looking so hot. Come here. Cash kahan hai pata karna hai. To Balwant Singh ka phone 30 second ke liye tumhare haath mein aana zaruri hai. बलवंत सिंह के मोबाइल से जैम रेडी ऐसा मैसेज भेजना. इमीडिएटली परेश पटेल बलवंत सिंह के फोन पर एक लिंक भेज देगा. जैसे ही उसे क्लिक करोगी उस फोन में एक बग और मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा. फिर हमें वो पैसे कहाँ है पता चल जाएंगे. ब्यूटीफुल पेंटिंग. या कैन आई टेक अ सेल्फी हनी? श्योर यू कैन. My battery is dead. Can I use your phone? Usually मैं मेरा फोन किसी को देता नहीं. But तुम्हारे लिए anything. Wine? Later. Wait. She can do it. गांधी पूरा कैश तो पोर्ट में है एंड इट्स अबाउट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर और शिप यहां से 20 मिनट में निकल जाएगा. दैट्स इट. अगर मैं फंस गई तो ये क्या है? दिस इज कैनन स्प्रे. बहुत पावरफुल. अगर इसे एक दो बार उसकी शक्ल पर फुसफुस किया ना तो बंदा 20 घंटे के लिए ढुस हो जाएगा. उसके बाद तुम आसानी से वहां से भाग सकती हो. लिपस्टिक तो बिखरने ही वाला है. इसकी जरूरत है क्या? सिरी ऐप में तुम्हें गो टू हेल बोलना है. वॉइस डिटेक्शन हो जाएगा. तुम्हारे गो टू हेल बोलते ही फोन ऑटोमेटिकली हमें अलर्ट कर देगा. सच बता. गो टू हेल. गांधी. ओ गॉड, अदिति फंस गई. सच बता नहीं तो मार दूंगा. परेश भाई बलवंत सिंह को फोन करो. हाँ. बता तेरा प्लान क्या है. गांधी वो फोन नहीं उठा रहा. अरे तू ही जवाब दे दे. परेश भाई टेंशन में एक चीज भूल रहे हो तुम. फोन हैक हो चुका है. अब तू ही आंसर कर. बोल. अरे बलवंत सिंह काय को उस लड़की को परेशान कर रहा है. छोड़ दे उसे. कौन है बे तू? तूने इसको भेजा है क्या? हाँ सही समझा. ये नेक का मैनेज किया है. दरवाजा खोल के लड़की को बाहर तू छोड़ेगा या दरवाजा तोड़ के अंदर मैं घुसूं? आके तो दिखा. सुनो परेश भाई जाके आता हूँ.
बता देते। डार्लिंग, व्हाट इज योर पोजीशन? मैंने दूसरे रूम का दरवाजा लॉक कर लिया है, लेकिन वो दरवाजा तोड़ रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम्हारे आसपास क्या है? यहाँ टेबल, चेयर, कैंडल्स, कर्टन्स, ये कोई बार रूम जैसा लग रहा है। गांधी, मैं क्या करूँ? जैसा कहा था मैंने कर दिया है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम जल्दी आ जाओ। अगर दरवाजा खुल गया तो मैं उसके हाथों मारी जाऊंगी। क्या हो सकता है, इस आग से जल कर राख हो जाऊं। किल 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 खिलाड़ी। हेलो बेबी। किल 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 खिलाड़ी। होते फोन करता हूं। ओके, तुम जाओ।
पार्टनर, बहुत दिनों बाद तुम यहाँ कैसे? मैं तेरा पार्टनर कैसे हुआ? ऐसा नहीं है पार्टनर, 10,000 करोड़ देखो 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 हाथ से ना निकल जाए, सो लेट्स मेक अ क्लियर डील, 10% टेक इट। क्या पार्टनर, 10% मतलब 10,000 करोड़ के हिसाब से कम नहीं, जाने दो। 20% ओके, 30% कम लग रहा है, लाइफ टाइम सेटलमेंट 40%। देख इसे मना मत करना प्लीज पार्टनर। मुझे 100% चाहिए और तू भी। इट्स नॉट फेयर, काय को मेरे पीछे पड़े हो, वो देखो मेरे पैसे पानी में तैर रहे हैं। लोगों का मसाज करके कमाया हुआ पैसा है क्या जो इतना इमोशनल हो रहा है? इमोशन ही है सर, अगर तुम्हारी प्रेमिका को कोई तुम्हारे आंखों के सामने ले जाए तो तुम क्या करोगे? सेम टू सेम फीलिंग सर, अपुन की स्टोरी भी एक लव स्टोरी है बिटवीन मी एंड माय मनी। दस हजार करोड़ इंडिया में आने की वजह मैंने गवर्नमेंट को बताई और सीएम के इन्फ्लुएंस से हैदराबाद में मुझे सीबीआई में एज ए जॉइंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। तभी कुछ दिनों बाद मुझे एक फोन आया। तुम जिस गांधी को ढूंढ रहे हो उसे अपन जानता है। किल 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 खिलाड़ी। ऑफिसर, ये यहाँ कैसे? सरप्राइज, लो कर लो मुझे अरेस्ट। आखिर सरेंडर क्यों कर रहे? क्योंकि दादी ने मुझे केला दिया। सच में? क्या? खाकी वर्दी वालों से बचकर भागते हुए मैं रेलवे स्टेशन पर सोया था, जब आग खुली सामने दादी खड़ी थी, उसके हाथ में एक केला था। और तूने वो भी छीन लिया? उसकी नौबत नहीं आई, मेरी आंखों में भूख देखकर उस गरीब ने अनाथ को केला दिया। तब मुझे पता चला मानवता क्या होती है, इसलिए मैं सुधर गया और सरेंडर करने आया। अब सच बकेगा? प्लेटफॉर्म पर गांधी जी को किसी ने धक्का दिया तो गांधी महात्मा गांधी बन गए, ये मानते हैं ना? मैं प्लेटफॉर्म पर सोकर अच्छा इंसान बन सकता हूँ, ये क्यों नहीं मानते? ये कैसा इंसाफ है? ओह, आवाज में बेस है ना, थोड़ा जोर से बोल दिया, सॉरी। इससे बराबरी कर रहा है बे, असल में तेरा ये कैरेक्टर और तेरी ये कहानी आपस में मेल नहीं खाती। सुनो, लोकल पुलिस स्टेशन में केस फाइल करके इसे अंदर करो। ऐसा 2% का केस फाइल करके कोई मतलब नहीं है, अपने को नहीं चलेगा। सेक्शन 123, सेक्शन 420, 468, 471 ऐसे बड़े बड़े खतरनाक केस ठोको। मुझे बड़ी चीजों का शौक है। पवार, अगर तेरे को सबूत चाहिए तो अपन तेरे को ला कर देगा। नमस्कार वेंकटेश भाऊ, फाइल में जितने केसेस सर रहे सब मेरे नाम ठोक डालो, 20 साल के लिए अंदर, 20 साल से एक दिन भी कम नहीं चलेगा। गारंटी दो तो ही कोर्ट आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। एनाफ, ले जाओ इसे। गुदगुदी हो रही है। थैंक यू सो मच ऑफिसर, मंडल आभारी है। ऑर्डर, ऑर्डर योर ऑनर। यह है मिस्टर गांधी जिन पर कई अपराध करने का आरोप है। और फिर सर 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 रुकिए सर, ये सब क्या है? राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है, आप रेलवे अनाउंसर लग रहे हो। वेयर इज द हाइप, वेयर इज द इमोशन? ये क्या केस लड़ेंगे मेरे बारे में? मेरे सारे गुनाहों के बारे में मैं खुद बताऊंगा। जाने के बाद आप उसे ये पूछेंगे कि आप कोर्ट को और कुछ बताना चाहोगे? मैं बस ये कहूंगा मुझे कुछ नहीं बताना, आप ही सजा सुनाइए। जहां अपराधी मोहन गांधी ने आत्मसमर्पण किया है और अपने द्वारा किए गए सभी अपराधों को स्वीकार कर लिया है, आईपीसी सेक्शन 420 और 304 के तहत 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। यस, आई लव यू शांताराम जी। ऑर्डर, ऑर्डर। कोर्ट में मिसबिहेव करने के लिए और जज को फ्लाइंग किस देने की वजह से 6 महीने की सजा और बढ़ा दी गई है। ऑर्डर, ऑर्डर, द कोर्ट इज अडजर्न। सर जी, अब तो मुझ पर भरोसा कीजिए ना सर जी, आप क्रिमिनल्स को पकड़कर टॉर्चर मत किया कीजिए, उसे केला दीजिए, सुधर जाएगा मेरी तरह। अभी हो गया तेरा सर,
आप मुझे आर्थर रोड जेल भेजोगे या यवतमाल जेल भेजोगे? क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आर्थर रोड जेल में कारपेंटर का काम अच्छे से सिखाएंगे, बाहर निकलकर बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, रिकमेंड करता हूँ। सर 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 सर, कभी कभी मुझसे जेल में मिलने आया करिए सर, मेरी हिम्मत बनी रहेगी। प्लीज सर, आएंगे ना आप सर? टाइम पास हो जाएगा सर, पागल कर देगा ये। सर आइए ना सर, मेरा कोई नहीं है। डोंट माइंड भाई। ए, कैसा है? कि कैसा लग रहा है? चल। नो मैटर। थैंक यू। अबे वो तेरे से क्या बोला बता ना भाई। मुझे क्या पता। माइंड मतलब दिमाग, डोंट मतलब नहीं। तुझे दिमाग ही नहीं है ये बोला है। ऐसा बोला उसने? वो किकैस बोला, उसका मतलब क्या है? दो डालेगा रे तेरे को। नो मैटर बोला उसका क्या मतलब? मैटर ही नहीं है रे। ऐसा बोला मेरे को? हाँ। मेरे जेल भाई, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो खुद ही सॉल्व करने का, ऊपर वाला नहीं आएगा सॉल्व करने, उसके पास टाइम ही नहीं है। डुबो दुश्मनों को डुबाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरे लिए आखिर इतना रिस्क क्यों लिया? सबसे ज्यादा खुशी उसी में मिलती है जो दूसरों का दर्द कम करता है। सीधे आदमी लगते हो, जेल में काय को आया? पैसा और दुख एक जैसा होता है भाई, बांटोगे तो कम होता है, पास रखोगे तो बढ़ता है। तेरे अंदर एक दोस्त को देखा इसलिए बचाया। अगर तू भी यही सोचता है तो अपनी कहानी बता सकता है, अपन फोर्स नहीं करेगा। बुलाएगा, बुलाएगा जरूर भाई। बुला लिया। यस, एक्टिंग। बुलाया भाई। तेरे साथ हुए अन्याय को सुनकर मेरे आंसुओं की धारा रुक नहीं रही। अच्छा, डेविड को जानता है तू? जेल में रामाकृष्णा को हमदर्दी दिखा, उसकी कहानी सुनकर वही कहानी तुम्हें सुनाकर तुम्हारी हमदर्दी हासिल की, जेल के अंदर जाने के लिए मुझे और जेल से भागने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया। अरे ये गुरु सिंह क्या बोल रहा है? इस हफ्ते देगा या अगले हफ्ते? ये पैसे देगा या नहीं? मुझे पता है भाई, पैसा नहीं मिलने वाला है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हारे पास पैसे आएंगे कभी और हमें मिलेंगे कभी, फिर भी सीएम बनने की उम्मीद रूलिंग पार्टी में रह के गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट करेंगे तो क्या होगा पता है ना? जो एमएलए का पोस्ट है वो भी चला जाएगा। आपके सर को सीएम बनाने के लिए हमने कितना रिस्क उठाया जानते हैं? अगर हर एक एमएलए को 1 करोड़ देने की भी हैसियत नहीं है ना,
तो सीएम बनने का सपना भी देखना छोड़ दे, बता देना उन्हें। आज फैसला हो जाना चाहिए इसकी तो। आप लोग सिर्फ 4 दिन रुक जाइए, फिर सबको पैसा मिल जाएगा। अगर इसमें किसी को शिकायत है तो मेरा एक बेटा है बलवंत सिंह। अरे क्या सेठ, इसमें बलवंत भाई को क्या परेशान करते हो आप? आपने बोला है ना 4 दिन रुकने के लिए, चलो 4 दिन के बाद देखते हैं क्या होता है। चलो 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 चलो। Love you baby. Love you baby. I love you so much. I love you baby. ए, तुम यहाँ कैसे? Dad? वो नहीं आने वाले है बेबी। वो क्या है ना, गांधी की इन्फॉर्मेशन के बहाने उन्हें सीलिंग बुलाया था। बेचारे 1 घंटे से रुके होंगे। अब क्या चाहिए? लगता है कि कल का प्रपोजल सीरियसली नहीं लिया, इसीलिए फिर से प्रपोज करने आया हूँ। बेसिकली मुझे पार्टनरशिप के अलावा रिलेशनशिप से बहुत एलर्जी है बेबी, लेकिन पहली बार तेरे को देख कर अपन फिदा हो गया। I want to spend my money with you. I love you, baby. लोग एक दूसरे को I want to spend my life with you कहते हैं, ये तो सुना था। I want to spend my money with you क्या होता है? इस डायलॉग में कोई दम नहीं, जिंदगी तो कोई भी जीता है। मेरी मेहनत से कमाए हुए 10,000 करोड़ तेरे ऊपर खर्चा करने के लिए अपन तैयार है। कितना स्ट्रॉन्ग लव है रे मेरा, समझना यार। तो प्यार करने की चीज नहीं है, लैब में स्टडी करने की चीज है। साइकोलॉजी में PhD करने का बहुत गर्व था मुझे, लेकिन शायद तुझे समझने के लिए सिर्फ उतना काफी नहीं है। उसके लिए तुझे 7 जन्म लेने पड़ेंगे बेबी। मेरे साथ 10,000 करोड़ के साथ लाइफ कैसी रहेगी जरा सोच। वो साउंड, वो बीट, वो टेम्पो कैसा रहेगा पता है क्या? मुझे तुझे देख के धड़का दिल, ये माही तुझे टच करके मिलके तुझसे वो हैप्पी मूड, ये तेरी स्माइल ये लेके ही दिल लूट के मैं सेल्फी तेरी खींच के रख लूंगा अपने दिल में। नशा ये हुआ मुझे तुझे देख के टच करके गुजर गई, बच्चे खो गए, ऐसी दुख भरी कहानी सुनूंगा तभी तेरे को प्यार आएगा। हाँ आएगा, लेकिन पहले उस बच्ची को उसके पिता से मिलवा, फिर बात करते हैं। पूजा बेटी। हाँ। अरे पापा यहाँ पे। अरे कभी मेरे बारे में भी सोचा कर, पापा बहुत प्यार करते हैं तुमसे, बट मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हेलो गाइस, 10,000 करोड़ कैश, गांधी और डेविड को एक ही साथ पकड़ने का चांस मिला है। एक तीर से 3 शिकार। कैसे सर? आज रामकृष्ण को कोर्ट ले जाएंगे। डेविड कहाँ है, कैसा दिखता है, उसकी पहचान रामकृष्ण ही जानता है। तो रामकृष्ण के कोर्ट में मुंह खोलने से पहले डेविड रामकृष्ण को मारने की कोशिश करेगा। अगर सही प्लानिंग रही तो रामकृष्ण को मोहरा बनाकर डेविड को पकड़ा जा सकता है, और डेविड को मोहरा बनाकर गांधी को पकड़ा जा सकता है। लेकिन वो भागने में चीते से भी तेज है, सो सिक्योरिटी मस्ट बी वेरी टाइट।
भदुरिया, इस डेविड की हमें तलाश है वो यही है। उसकी फोटो एनसीआरबी को भेजकर सारी डिटेल्स मंगवाओ राइट नाउ। सुन रहे डेविड, अपन सच कहता अपन में पेशेंस बहुत ही कम है। पैसा कहाँ रखा है बोल बोल। वो पैसा कहाँ पर है मैं सच में नहीं जानता सर। When it comes to money, I'm a monster. हाँ सर, he's a bloody monster. पैसों के लिए मेरी फैमिली को मार दिया सर। बस इतना जानता हूँ कि उसका नाम डेविड है और कुछ नहीं जानता सर। कोर्ट के बाहर जो लोग मुझे मारना चाहते थे वो वही लोग हैं सर। अरे परेश भाई, कैश की खनक ज्यादा होती है के पछी हड्डियाँ टूटने की आवाज ज्यादा होती है। अगर लोग सीधी तरह नहीं बताते तो अपन को भी टेढ़ा बनना आता है। मुझे सिर्फ इतना ही पता है सर। जेल में गांधी जी को भी यही बताया सर। बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता सर। बताता हूँ, बताता हूँ। कर, चमड़ी उधेड़ कर इसी के बाजू में लटका दूंगा। मैंने क्या किया? कैश कहाँ है सब कुछ तो बता दिया ना। मेटल डिटेक्टर की तरह यहाँ पर मनी डिटेक्टर फिट है। पैसे के पास आते ही बीप बीप का अलार्म बजता है। ये फेक करेंसी है। What nonsense? फेक करेंसी तो चला दिया था ना, रियल करेंसी सामने तो है। हेलो हेलो हेलो, इस नोट पर छपे गांधी को पता नहीं होगा, लेकिन नोट असली है या नकली इस गांधी को पता चल जाता है। फिर असली पैसे कहाँ गए जल्दी बताओ। हाउ डू आई नो दैट? जैसे उन्होंने कहा था, राजशेखर के घर से निकलते ही ले जाते हुए पैसे को लूटकर फेक करेंसी को जला दिया था, लेकिन ये सब किसने किया कैसे किया मुझे? होल्ड 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 होल्ड, असली पैसा लूटकर नकली पैसे जलाने किसने का? वो कौन है मैं नहीं जानता। एक ही बार मिले थे इन ऑर्बिट के पार्किंग लॉट में। वो 10,000 करोड़ तुम्हारे ही है। गजेंद्र सिंह को सीएम बनने से रोकना है। मुझे जो चाहिए वो पैसा नहीं बदला है। एवरी स्टेप स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड किया था। अगर तेरी बात मैं मान लूं तो राजशेखर के सेकंड होम से ही फेक करेंसी लाई गई थी। उस डेविड का बॉस कहां रहता है, कैसा दिखता है पता नहीं, और तो और फोन नंबर पर नहीं थी। केवी रीते पकड़ी इसने। गेम ओवर गांधी, आई थिंक वी शुड टेक सम अदर डील। शट अप। वो डेविड उसके बॉस को पहली बार कहां पर मिला था? इन ऑर्बिट मॉल पार्किंग लॉट, आई थिंक इज एट B25। इन ऑर्बिट मॉल पार्किंग लॉट B25। गांधी, देयर इज अ प्रॉब्लम। हम इन ऑर्बिट मॉल पहुंचने से पहले सीबीआई वाले फुटेज लेकर चले गए। अब सीसीटीवी फुटेज का मिलना आसान काम नहीं है। अब तक तो उसने उस इन्वेस्टिगेशन मटेरियल को क्लासिफाई करके सीबीआई हेडक्वार्टर्स में स्टोर कर दिया होगा। यानी हम अंदर नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं, पर बाहर आना मुश्किल है। वो सीबीआई हेडक्वार्टर है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी रहती है। हर कॉर्नर कवर करने के लिए सीसीटीवी कैमरा है। क्या बोला? कैमरास लगे होते हैं बोला। That's it. फुटेज मिल गया समझो। कैसे? वो लोग सारे फुटेज देखने के लिए लेकर गए हैं ना। जिस वक्त वो फुटेज देखेंगे हम लोग भी देख लेंगे, चलेगा ना? वो जो देखेंगे हम कैसे देख सकते हैं? सीसी कैमरास। ए परेश भाई, समझी गयो, कैमरास को हैक करना इतना इजी नहीं है। नेटवर्क क्लियर सिक्योरिटी को तोड़ना बहुत मुश्किल है बापू, पॉसिबल नहीं। परेश भाई प्लीज डोंट डिसअपॉइंट। तुम्हें हूं बोलछो तो कैसा चलेगा? Try, try. Fine. Come on, come on. गांधी, कैमरा जिस स्विच से कनेक्ट हुआ है उसे हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। It's taking time. Let me try the router. Yes, yes. You did it. We got that. Last 30 days में वो जहाँ जहाँ गया था उन जगहों को ट्रैक करके उन जगहों की सीसीटीवी फुटेज को ऑब्जर्व किया। इन ऑर्बिट मॉल की जो फुटेज है उसमें हमें कुछ सस्पिशियस लगा। इन ऑर्बिट मॉल का फुटेज प्ले कर रहे हैं। ये देखिए सर,
हे हे बॉबे, हम तो ओटीटी समझे थे लेकिन ये तो बिग स्क्रीन का एक्सपीरियंस है। यार लकी। वेट वेट वेट, उसने अपने चेहरे को छुपा दिया ताकि कैमरे में दिखे नहीं। रिवाइंड प्ले, रिवाइंड अगेन, पॉज। साला बहुत स्मार्ट है, फेस ना दिखे इसलिए मैनेज किया है अच्छे से। किसी के साथ फोन पर बात कर रहा है? नहीं पता चल रहा सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Yes. 13 सेकंड बात की है। ये इनकमिंग कॉल है। लाखों लोगों के फोन आए होंगे, उससे क्या होगा? संडे इवनिंग 7:23 को हजारों कॉल्स आए होंगे गांधी, उसे ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। वो लोकेशन एरिया टावर इन ऑर्बिट मॉल में है। मुझे तो लगता है 100-200 कॉल्स इजीली आए होंगे। देखना पड़ेगा कि 13 सेकंड्स की कॉल कितनी हुई है। उसने ठीक 13 सेकंड बात की है। गांधी कॉल लिस्ट और उसमें 13 सेकंड्स की कॉल सिर्फ 4 ही हैं, एक आउटगोइंग और 3 इनकमिंग। आई हैव सर्कल्ड द नंबर्स। जरा लास्ट पेज देखो। खुशी सीट बेल्ट ऐसे बांधते। ठीक है। हाय पूजा, कैसी हो? हाय खुशी। हाय। ये क्या है गांधी? तुम्हें अच्छी खबर सुनाने के लिए बुलाया है। अब हमारी लव स्टोरी में कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें साथ फेरे लेने का लाइसेंस भी मिल जाएगा। वाह, तुम्हें पता है क्या, तुम्हारा बाप सिर्फ पुलिस वाला नहीं है, पुलिस वाला चोर है। नाउ वी बिलोंग टू द सेम फैमिली बेब्स। और डैड के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। 9505122334 यही तुम्हारा नंबर है ना? वो मेरा दूसरा नंबर है, मेरे डैड यूज करते हैं। यस आई नीव इट। खुशी, गुड़िया, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, चांदनी। थैंक यू जी, लेट्स गो, कम। तुम यकीन करो या ना करो, इस बच्ची की माँ का मर्डर करने वाला, इसके बाप को जेल पहुँचाने वाला, 10,000 करोड़ को लूटने वाला तुम्हारा ही चोर बाप है। नो वे, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, घर जाकर चेक कर लो। वो कैसे चेक करना है तुम अच्छे से जानती हो। खुशी, आउसेज, कम 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 कम। Did you like the chocolates? तुम्हारे वापस आने तक बच्ची मेरे पास ही रहेगी। तेरा बाप क्रिमिनल नहीं है ये साबित कर दो, और फिर बच्ची को यहाँ से ले जाओ। अगर तेरा बाप क्रिमिनल है ये कंफर्म हुआ तो कैश कहाँ है बताओ और बच्ची को आकर ले जाओ। Come soon, I'm going to miss you. Hey, पूजा, हमारी नई नई लव स्टोरी का इससे कोई कनेक्शन नहीं, बहुत सिंसियरली प्यार करता है तेरे को, थोड़ी सीरियसली वार्निंग दे रहा हूं, बट प्यार प्यार है, पैसा पैसा है। डैडी, आपके ग्लासेस। यस, मैंने ढूंढा, थैंक यू। हेलो सर, कैसे हो आप? सर, आपके प्लान के हिसाब से 10,000 करोड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही है, ट्रांसफर होते ही आपको अपडेट करता हूँ। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। तुम्हारी बात सच निकली, तुमसे मिलना चाहती हूँ। कल सुबह शॉप 9:30 महात्मा ट्रस्ट बिल्डिंग। 10,000 करोड़ आ रहा है। आई लव यू पार्टनर। तुम मेरी सबसे प्यारी 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 पार्टनर हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो मेरे डैडी चाहिए। ये लो बेटा। थैंक यू डैडी, ये मेरे डैडी ने दिया था मुझे। पैसा क्या होता है मुझे नहीं पता, आपको पैसे देंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा है ना? तो ये लेकर मेरे डैडी को मेरे पास ला दीजिए ना अंकल। हाँ।
कैश कहाँ है? कैश नहीं है, सारे पैसों को बिटकॉइंस में कन्वर्ट कर दिया। वर्चुअल करेंसी, वाओ! दुनिया में कहीं भी कैश करवा सकते हैं, बस एक क्लिक करो और पैसा कहीं भी ट्रांसफर कर दो। एक बिटकॉइन मतलब अप्रोक्सीमेटली 35 लाख, उसके हिसाब से 10,000 करोड़ के लगभग 30,000 बिटकॉइंस। तुम मुझे बिटकॉइंस ट्रांसफर कर दो, मैं बच्ची को ट्रांसफर कर देता हूँ। इसके बाद बस होगी हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। I love happy endings. ये पैसे तुम जैसे क्रिमिनल को कभी ना मिले। गांधी, इनफ। गांधी ये सब क्यों कर रहा है इसका अंदाजा भी है तुम्हें? ये पैसे गांधी का सपना है। It's his life ambition. चंद्रा, इसे मेरे एम्बिशन के बारे में क्या पता? अगर 1,000 करोड़ मुझे देगी तो मैं उसे बता देता। देती मैं भी तेरी जैसी हूँ, सेम टू सेम आईपीएल प्लेयर। जो ज्यादा पैसे देगा मैं उसकी हो जाऊंगी। अदिति प्लीज, ये पैसे बहुत जरूरी है। तेरी चैरिटी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये बता चुकी हूँ तुझे। इनफैक्ट तेरे से ज्यादा बलवंत सिंह मुझे पैसे देगा। एक्चुअली तुझे मार दूँ तो और पैसे मिलेंगे। गांधी, गांधी, बॉयज, लेट्स गो। गांधी, गांधी, हेलो, एम्बुलेंस। करोड़ों रुपए लूटने की गांधी की इस चाहत के पीछे लाखों लोगों को बचाने का जुनून है पूजा। जिंदगी में अगर किसी ने कुछ भी मांग लिया तो इसके पिताजी सबसे सामने आते थे। 6 साल की बच्ची का जब इलाज नहीं हो सकता था, उसे सुनकर उसकी तड़प मैंने देखी। बहन के गुजरने के 2 हफ्ते में ही अपने पिताजी को भी खोकर, जिंदगी कुछ खोकर अनाथ बनते हुए हमारे गांधी को देखा है मैंने। उसने जिंदगी में जो दुख देखा है कोई और न देखे, उसने जो खोया है कोई और न खोए, उसकी बहन बिना इलाज के मर गई, कोई और न मरे, इसलिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे वो। गांधी मतलब वो महात्मा ट्रस्ट, उसी का। हाँ। फिर ये सब आखिर छुपाया क्यों? ये हॉस्पिटल प्योर इलीगल पैसों से बन रहा है, अगर ये पता चला तो कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। लोग उसे अच्छा इंसान कहने से ज्यादा वो लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहता है। गांधी, सामने वालों का दुख देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, इसीलिए तुम्हें गांधी ने चुना पूजा। He really loves you a lot. मुझे कुछ भी हुआ तो भी मेरा सपना ना अधूरा रहने पाए, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन कभी रुकने ना पाए। नहीं रुकेगा, मैं नहीं रुकने दूंगी। तुम्हें एज बेनिफिशियरी ऐड कर दिया, सारे पैसे महात्मा ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिए। थोड़ी देर में तुम्हें मैसेज आ जाएगा। I love you, baby. सब शेयर कर लेना। चांदनी, हे बॉबी, क्या परफॉर्मेंस था, क्या डायलॉग मारा, व्हाट अ बेस। ऑस्कर तेरे को ही मिलेगा। लास्ट में चांदनी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। ओह या, व्हाट अ ग्रेट इंप्रूवमेंट। हां, यस, वाओ, 10,000 थासु करोड़। हां,
गांधी जी, आई नो योर साइकोलॉजी। एक बार भरोसा कर लिया मैंने और धोखा खाया, दोबारा सेम गलती कैसे करती? अबे नॉन एक्टर, तेरे बकवास डायलॉग, परफॉर्मेंस और एक्सप्रेशन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अरे मैंने अच्छा किया था, इसने वाट लगा दी। मैं क्या करूँ, सारे डायलॉग्स तो परेश को दिए थे तुम लोगों ने, अपनी गलती मुझ पर मत डाल। पूजा, जो हो गया उसे भूल जाओ, एक नई शुरुआत करते हैं। तो पैसे ट्रांसफर कर दो ना। अगर बिटकॉइंस होते तो शायद ट्रांसफर कर सकते, लेकिन 10,000 करोड़ अब भी कैश ही है। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? बच्ची को बचाने के लिए और तुम्हें अंदर करवाने के लिए। गेम इज ओवर। यू आर हैप्पी डार्लिंग, सी यू सून। सर, आपके पिताजी पर अभिमान की वजह से आपका सम्मान रख के इतने दिन इंतजार किया, सभी ने अविश्वास मत का फैसला लिया है। कल शाम तक पैसे मिले तो ही आपके पिताजी सीएम बनेंगे, और अगर नहीं मिले तो होम मिनिस्टर की सीट भी जाएगी। जो 10,000 करोड़ तुम्हें चाहिए मैं जानती हूँ वो कहाँ है, और ये भी कि वो कितने जरूरी है। रामकृष्ण को मेरे हवाले कर दो और वो इन्फॉर्मेशन ले लो। I'm coming. पैसा कंटेनर में रेडी है, 20 मिनट्स में शिप यहाँ से निकल जाएगा। 10 दिन में दुबई पहुँचने के बाद वहाँ पैसे एक्सचेंज होंगे। 4 दिन में कह रहा हूँ पहुँच कर, 2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा। एवरीथिंग इज परफेक्ट सर। हम दोनों की एक ही सिचुएशन है पापा, माँ नहीं है, लेकिन इसके पापा इससे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, और मेरे पापा मुझसे दूर होना चाहते हैं। मेरी जिंदगी में मैं रोज के 10 घंटे सरकार को देने के बाद भी महीने में मुझे सिर्फ 2 लाख मिलते हैं। अगर एक साथ 10,000 करोड़ मिल रहे हैं तो कैसे छोड़ दूं? बलवंत सिंह को इस लोकेशन का कैसे पता चला? मैंने बताया इसे। What? पैसों के लिए बलवंत सिंह रामकृष्ण को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बताइए ना, किस कंटेनर में है पैसे? तुझे तुम्हें कैश कंटेनर कहाँ है? नहीं बताऊंगा मैं। हर बार पूरा लॉकडाउन कर दो और ढूंढो पैसा किस कंटेनर में। ठीक है सर। यू सर्च दैट साइड। ओके सर। हर एक कंटेनर चेक करो। सरप्राइज माय लव। पत्ते में 4 बादशाह होते हैं, इस गेम का एक ही बादशाह है, वन एंड ओनली। पैसे बच निकला सोचकर शौक लगा? माई डियर इनोसेंट पार्टनर्स, आई एम ऑफरिंग यू 50 करोड़ ईच। सबको खरीद लिया। ए, बलवंत सिंह, बच्चा बड़ा हो गया रे, बहुत बुरा किया रे तू, माई स्ट्रॉन्ग इमोशन उसके ऊपर हाथ डाला रे तू। हार्ट से चेंज लंबा है, कम करना पड़ेगा। Thank you.
सर 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 प्लीज सर प्लीज सर कुल 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 ये क्या सर पैसा मिलने के टाइम पर ऐसा काय को करते हो खैर जाने दीजिए आपका 60 मेरा 40 पैसा लेके अपने अपने रास्ते खिसक लेते हैं क्या बोलते हो ना तुझे अरे नो कॉम्प्रोमाइज सर आप एक्शन किंग है मालूम होता तो मैं आपसे फाइट ना करता आपके पंच में पंच है आपके पावर में पंच है मुझे नहीं लड़ना मैं सरेंडर करता हूं हर ताले की एक चाबी होती है लेकिन इस ताले की चाबी अपन के हाथ में है बाय टाटा अंकल प्लीज मेरे पापा को ले आइए अंकल जा तेरे पापा के पास अंकल मेरे डैडी को ले आइए अंकल अंकल प्लीज मेरे डैडी को ले आइए आपने बोला था प्लीज अंकल 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 मुझे मेरी बच्ची से मिला दीजिए सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर प्लीज ये तुमने मुझे दिया मैं पापा को जरूर ले आऊंगा मैं हमेशा भेजे से काम किया फर्स्ट टाइम दिल से किया है
बार तुम में बदलाव देख रहा हूं। तुम आजाद हो लेकिन 10,000 करोड़ नहीं छोड़ूंगा। प्रस्ताव विफल हो गया है। पार्टी के आला कमान के अनुसार होम मिनिस्टर गजेंद्र सिंह पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। हेलो, क्या सर, हमें फेक करेंसी देकर सीएम बन जाओगे लगा था क्या? पार्टी के ऑफिस में भी पैर नहीं रख सकोगे, देखना। हमारे पास फेक करेंसी है तो हमारा असली 10,000 करोड़ किधर है? कहीं भी हो मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। द गेम इज स्टिल ऑन। तुरंत अमेरिका की एक टिकट बुक करवाओ। मैं कोई अहिंसावादी नहीं हूं, बट आई एम अ फॉलोअर ऑफ गांधी। छुपा लो कहीं भी मनी, ढूंढ ही लेगा साला। लॉकर हो स्ट्रॉन्ग चाहे कितना भी, तोड़ ही देगा साला। हीरो बना हो कोई कितना भी, चोकर उसे दे बना।